हेलो गाइस, मैं हूं विश्वरंजन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट। आज हम सब करेंट अफेयर्स पर विचार करेंगे, अप्रैल 2019 का करेंट अफेयर। यूजर के आधार पर यूट्यूब का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला कौन सा देश है? तो भारत। अब भारत जो है वह 265 मिलियन एक्टिव यूजर के साथ पहले स्थान पर आ गया है, सबसे बड़ा मार्केट बन गया है यूट्यूब का। कैंडिडा आरिस जो है अखबार पत्रों में और बहुत सारा टीवी चैनल पर इसका जिक्र लंबे समय तक हुआ था पिछले महीने। तो कैंडिडा आरिस जो है वह क्या है, प्रश्न आएगा। तो यह एक फंगस संक्रमण है, यह एक संक्रमण है फंगस का। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्थानों की रैंकिंग में सर्वोच्च रैंकिंग किस संस्थान को मिला है? हर साल मानव संसाधन मंत्रालय जो है वह एक रैंकिंग निकालती है संस्थानों की। तो इस बार पहला जो रैंक है वह आईआईटी मद्रास को मिला है, आईआईटी मद्रास को। मीनाक्षरा जो है वह विश्व की सबसे ऊंचा पेड़ है। मीनाक्षरा विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ है, वह मलेशिया में पाया गया है, मलेशिया में इसका खोज हुआ है। अब प्रश्न आएगा कि किस देश में विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ है, तो मलेशिया। पेड़ का नाम क्या है? तो मीनाक्षरा। लक्ष्मी विकास बैंक का विलय हो चुका है इंडिया बुल्स हाउसिंग फिनांस में। लक्ष्मी विकास बैंक का विलय हुआ है इंडिया बुल्स हाउसिंग फिनांस में। किस देश ने रावण प्रथम नामक अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है जिसका नाम है रावण प्रथम। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 यह एक संयुक्त युद्धाभ्यास था, किन देशों के बीच हुआ है? तो भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 हुआ है संयुक्त युद्धाभ्यास, और यह 3 दिनों तक चला था। यह युद्धाभ्यास कितने दिनों तक था? 3 दिनों तक। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया है? तो रूस है। यह रूस जो है वह दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए रूस जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया है। इसके पहले यूएई संयुक्त अरब अमीरात जो है वह जायेद मेडल से सम्मानित कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई जो है वह जायेद मेडल से सम्मान दे चुका है। साथ ही साथ दक्षिण कोरिया जो है वह सियोल शांति पुरस्कार भी दिया है, सियोल शांति पुरस्कार भी नरेंद्र मोदी को दिया है। और सियोल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले नरेंद्र मोदी चौदहवें व्यक्ति हैं सियोल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले। यह दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया गया है। जायेद मेडल जो है वह यूएई के द्वारा दिया गया है, और ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल जो है वह रूस के द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। बिंग नामक प्रथम होम डिलीवरी ड्रोन सेवा, ड्रोन से होम डिलीवर करने की सुविधा जो कि नाम रखा गया बिंग, वह गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। और सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है। विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018, विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 जो है वह विराट कोहली को, पुरुष क्रिकेट के लिए विराट कोहली को, और महिला क्रिकेट में स्मृति मंधाना को घोषित किया गया है। विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द
यह 2018 पुरुष में विराट कोहली और महिला में स्मृति मंधाना। किस देश ने आर्म्स ट्रेड ट्रीटी ATT से बाहर निकलने का घोषणा किया है? तो अमेरिका, अमेरिका जो है वो ATT से बाहर निकलने का घोषणा किया है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है जी? तो अभी सुधार हुआ भारत के स्थान में, यह भारत जो है वह 36वें नंबर पर है। पहले जो था भारत वह 44वें नंबर पर था, लेकिन 44वें नंबर से सुधार करते हुए अपने स्थान में भारत जो है वह 36वें नंबर पर आ चुका है बौद्धिक संपदा सूचकांक में। सीबीआई के नए महानिदेशक जो है वह ऋषि कुमार शुक्ला जी को बनाया गया है, सीबीआई का नए महानिदेशक। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना ने विंग कमांडर अभिनंदन के लिए किस वीरता सम्मान पुरस्कार की सिफारिश की है? तो वीर चक्र। वीर चक्र देखिए, वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड जो होता है, यानी कि युद्ध के समय का जो स्वर्ण पुरस्कार होता है, उसमें तीन पुरस्कार आता है। एक है परम वीर चक्र, दूसरा नंबर पर आता है महावीर चक्र और तीसरा नंबर पर आता है, ये हो गया दूसरा नंबर, पहला नंबर और तीसरा नंबर पर आता है वीर चक्र। तो वीर चक्र के लिए, विंग कमांडर अभिनंदन के लिए सिफारिश की गई है भारतीय वायुसेना के द्वारा कि उन्हें प्रदान किया जाए। साथ ही साथ जो पीस टाइम के लिए होता है ग्लेंटी अवार्ड, उसमें भी तीन आते हैं। उसमें कितने आते हैं? तीन आते हैं। पहला है अशोक चक्र, दूसरा है कीर्ति चक्र और तीसरा है शौर्य चक्र। बार टाइम में तीन परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, और पीस टाइम में तीन अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास। डेविड मालपास जो है वह विश्व बैंक के नए अध्यक्ष घोषित हुए हैं। WHO के अनुसार, WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो कानपुर है। विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कानपुर है और 15 शहरों का एक लिस्ट अनाउंस किया गया है WHO के अनुसार, WHO के अनुसार प्रदूषित शहर का, जिसमें से 14 जो शहर हैं वो भारत के हैं। 15 में से 14 शहर भारत के हैं और सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर जो है वह कानपुर है। किस प्रथम स्वदेशी निर्मित तोप को भारतीय सेना में शामिल किया गया? तो धनुष को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। यह जो धनुष है वह है बोफोर्स का स्वदेशी संस्करण है। बोफोर्स जो तोप था उसका स्वदेशी संस्करण कौन है? धनुष है। यह जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बना है और फिर सेना में इसे शामिल किया गया। जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बना है, जबलपुर जो है वह मध्य प्रदेश में है। विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है और यह जो दिवस है वह होम्योपैथिक के संस्थापक सैमुअल हनीमैन की जयंती पर मनाया जाता है। किनका? सैमुअल हनीमैन के जयंती के समय में 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथ दिवस मनाया जाता है। मित्र शक्ति नामक जो संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था वह किन किन देशों के बीच था? तो भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति नामक संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। तो आज इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में इसका दूसरा वॉल्यूम लेकर के आएंगे, जो बचा हुआ है अप्रैल महीने का करेंट, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने वाला है, उसका पर विचार करेंगे। लेकिन आप लोग से अनुरोध है कि जो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उनको काफी फायदा होगा। तो हमारे प्रयासों को उन तक पहुंचाइए। धन्यवाद।